अब सुनिए, थोड़ा सा देख लो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो सारा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, आप लोग का जो सब्जेक्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फोर्थ सेम में कॉमन सब्जेक्ट है, सब लोगों को पढ़ना ही है। अब इधर से चलते हैं। देखो, इधर से आप लोग को ये सिलेबस दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, और ये सारा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अपन पूरा कंप्लीट थ्योरी भी करेंगे और कंप्लीट प्रैक्टिकल भी करेंगे। ऐसा नहीं कि खाली प्रैक्टिकल कर लिया, थ्योरी छोड़ दिया, थ्योरी कर लिया, प्रैक्टिकल छोड़ दिया, ऐसा नहीं करेंगे। अब सुनो, मैं आपको वर्ड टू वर्ड सिलेबस की लाइनें पकड़ूंगा, बाकायदा पूरे नोट्स है वहां वर्ड टू वर्ड लाइन करके, अंडरलाइन कर करके पूरा इसका थ्योरेटिकल पार्ट भी कंप्लीट करेंगे। अब सुनो, इसमें जो न्यूमेरिकल पार्ट है, लाइक स्पिनिंग मिल, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बैकवर्ड फॉरवर्ड डिग्रेशन, इसके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल अप्रेजल, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, प्रोजेक्ट नेटवर्किंग सेंसिबिलिटी एनालिसिस, प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट और शेड्यूलिंग रीशेड्यूलिंग, ये करके टोटल टॉपिक मिलेंगे आपको। और ये थ्योरेटिकल पार्ट है, पूरा बुक कंप्लीट है, इसमें प्रैक्टिकल थ्योरी 100% कंप्लीट है। अभी सारा स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आज अपन एक न्यूमेरिकल करते हैं और साथ में थ्योरी भी करेंगे। ऐसा नहीं है न्यूमेरिकल किया, एक या दो चैप्टर न्यूमेरिकल किए, फिर एक चैप्टर थ्योरी करेंगे, फिर एक दो चैप्टर न्यूमेरिकल करेंगे, फिर थ्योरी करेंगे। तो ऐसे करके क्या है, कॉम्बिनेशन में पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। अब सुनो, सबसे पहले आप हेडिंग डालो, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, चैप्टर नंबर वन निकाल लो और टॉपिक का नाम लिख लो स्पिनिंग मिल। चैप्टर नंबर वन निकालें, राइट द नेम ऑफ द टॉपिक दैट इज स्पिनिंग मिल, ऑब्लिक करके लिख लो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। स्पिनिंग मिल करके टॉपिक का नाम लिखो, ऑब्लिक करके लिख लो दैट इज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। लिखा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इजी बहुत है टॉपिक, मतलब आधा पौन घंटे में तो आप खुद ही बोल दोगे सर इससे इजी टॉपिक तो हमने देखा ही नहीं। बहुत इजी है, कंफर्टेबल है, फटाफट समझ में आएगा। कर लिया कॉपी, शुरू करूं? आप सुनो, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं फिर अपन चलेंगे आगे, तो चीजें और अच्छे से समझ में आने वाली है। वो डिस्कशन क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, प्रोसेस क्या है, ये चैप्टर क्या कहना चाहते हैं। सी बेसिकली जो सब्जेक्ट अपन पढ़ रहे हैं, द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को पढ़ रहे हैं तो कुछ तो कहने की कोशिश कर रहा होगा ना ये सब्जेक्ट। तो पता है ये क्या कहता है, ये कहता है कि आपको प्रोजेक्ट लगाना है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट क्या कहता है कि यू हैव टू प्रिपेयर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अब देखो, प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो एग्जाम्स में आते हैं इसके बहुत ज्यादा आते हैं। इसको स्पिनिंग मिल के नाम से बोला गया है। अब ये स्पिनिंग मिल का मतलब क्या है, इफ यू वॉन्ट टू सेटअप योर स्पिनिंग यूनिट, स्पिनिंग यूनिट होती है जो धागा बनाते हैं ना अपन, धागे से कपड़ा बनाते हैं, तो कपड़ा बनाने की फैक्ट्री डालनी है आपको, तो दिस इज नथिंग बट अ प्रोजेक्ट। अगर ये प्रोजेक्ट आपको करना है तो इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजों को आप कंसिडर करेंगे, कौन कौन सी मशीन्स लगाएंगे, कितनी मशीन्स लगाएंगे, किस प्रोसेस से लगाएंगे, क्या बैकवर्ड लगाएंगे कि फॉरवर्ड लगाएंगे, क्या सेंटर मेथड से लगाएंगे, और साथ के साथ में आप अपना जो प्रोडक्शन का टारगेट है क्या वो पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ज्यादा मशीन लगा लोगे तो आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा, अगर कम मशीन लगाएंगे तो प्रोडक्शन का टारगेट पूरा नहीं होगा। तो आपको यहाँ सीक्वेंस बनाना है मशीन का, और सीक्वेंस में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, सबसे पहले ब्लो रूम होता है, ये सीक्वेंस थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मशीन आप कैलकुलेट करेंगे, अगर आपने कभी स्पिनिंग यूनिट देखी है या स्पिनिंग मिल्स देखी है भीलवाड़ा साइड में या फिर मुंबई महाराष्ट्र साइड में जाना हो, बहुत फैक्ट्रियां मिलेंगी आपको, और अगर उन फैक्ट्रीज में जाके आप देखेंगे या गूगल सर्च कर लो या फिर यूट्यूब सर्च कर लो, आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले पहली मशीन होती है बीआर, जो भी कॉटन या रॉ मटेरियल होता है बीआर में डालते हैं, जैसे बीआर में जाएगा फिर वो सीएम से ट्रांसफर होकर डीएफ में जाएगा। बीआर इज नथिंग बट द ब्लो रूम, सीएम को बोलते हैं कार्डिंग मशीन, डीएफ को बोलते हैं ड्रॉ फ्रेम, एसएफ होता है आपका सिंप्लेक्स फ्रेम, और लास्ट में आरएसएफ को बोलते हैं रिंग स्पिनिंग फ्रेम, और इससे जब निकलता है ना तो उसको अपन आउटपुट बोलते हैं। यहाँ वो माल बन के तैयार हो जाएगा, मार्केट में इसको सेल किया जा सकता है, बट उसको सेल करने का जो प्रोसेस है वो फिक्स है। सबसे पहले रॉ मटेरियल जाएगा ब्लो रूम में, फिर कार्डिंग मशीन, फिर ड्रॉ फ्रेम, फिर सिंप्लेक्स फ्रेम में जाएगा, और लास्ट में जाएगा रिंग स्पिनिंग फ्रेम में, और आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा। अब बच्चे कहते हैं सर ये बैकवर्ड फॉरवर्ड प्रोसेस क्या है, अगर मान ले आपको दे रखा नंबर ऑफ बी आर, मैंने कहा भैया मेरे को यहां से यूनिट डालनी है और बी आर गिवन है 1, तो बाकी सब निकाल के दिखाओ। बैकवर्ड प्रोसेस ये होगा कि क्वेश्चन में रिंग स्पिनिंग फ्रेम दे दिया आपको 4, और बोला कि आप मेरे को बताओ SF, DF, CM कितना लगेगा, और एक इसमें सेंटर मेथड होता है, DF2 दे दिया और पूछा इधर की मशीन्स बताओ, इधर की मशीन्स बताओ। अब डिपेंड करता है कौन सा आएगा, तीनों मेथड नहीं आते, तीनों में से एक मेथड आप लोग के एग्जाम में मिलेगा। शुरू करते हैं प्रॉपर तरीके से, चीजें अपने आप क्लियर होने शुरू हो जाएंगी। भैया एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, पूरा क्वेश्चन सिस्टमेटिक वैसे करेंगे, ये रहा। जैसे ही क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको अपने आप पिक्चर क्लियर होगी कि मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ।
क्वेश्चन देखने में जरूर बड़े लगते हैं, बट क्वेश्चन बड़े नहीं है, क्वेश्चन छोटे हैं, फटाफट समझ में आ जाएंगे आप लोग को। 2 मिनट रुको, मैं गेट बंद कर दूं, बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है। हो गया, शुरू करें। अब देखना, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन जब समझ में आएगा तो आप कर सकते हो, सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, मेरी जरूरत भी नहीं है इसमें। हल्का सा ट्रिक अगर आपकी पकड़ में आ गया तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कहीं नहीं अटकने वाले हो। अब देखो, उसमें दिखाई देगा द ट्रेडवेल स्पिनर, अ न्यू पार्टनरशिप फर्म हैज प्रपोज टू सेट अप अ न्यू कॉटन यार्न स्पिनिंग यूनिट विद द इंस्टॉलेशन कैपेसिटी ऑफ 2000 स्पिंडल्स। बच्चे कहते हैं कहना क्या चाहते हैं, एक बार रुको, पहले मैं पढ़ता हूँ। देखिए, आप क्या करने वाले हो, एक स्पिनिंग यूनिट लगाने वाले, और जो स्पिनिंग यूनिट आप लगाने वाले हो उसमें जो स्पिंडल्स लगेंगे, स्पिंडल्स होते हैं रोल जिसके ऊपर धागा घूमता है, कितने स्पिंडल लगाओगे भैया, कितने स्पिंडल का टारगेट है आपका, 2000 स्पिंडल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 20th कॉटन यार्न। अब ये जो 20th कॉटन यार्न है ना, इसकी क्वालिटी है, मतलब जो कॉटन यार्न है ना, जो कपड़े आप बनाएंगे आप, उसकी क्वालिटी का नाम है 20th कॉटन यार्न। द प्रोजेक्ट प्रमोटर हैज बीन प्रमोटेड to be exposed to the technical detail about the various machine required for the project and the proposed to purchase the following machine after consulting with a few well wishers. अब जो project promoter था उसने कुछ well wishers से consult किया कि सर मेरे को machines लगानी है, मेरे को factory लगानी है, तो आप बताओ क्या करना चाहिए। तो उन्होंने advice किया, क्या advice किया, blow room लगा लो 1, carding machine 4 लगा लो, simplex frame 2 लगा लो, SF2 लगा लो, ring spring frame कितनी machines लगा लो, 6 लगा लो, ऐसा उन्होंने बोला। अब प्रॉब्लम यह है कि उसने तो बोल दिया, अब आप मान नहीं रहे हो, क्यों, क्योंकि हो सकता है वो आपका कॉम्पिटिटर है, आपको कम ज्यादा बता देगा तो बाद में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको खुद को कैलकुलेट करना है कि जो बताया गया है वो एक्यूरेट है कि नहीं। अब सुनो यहाँ क्या लिखा हुआ है, द प्रमोटर हैज ऑब्टेंड अ लाइसेंस टू सेटिंग अप ऑफ कॉटन स्पिनिंग मिल ऑफ 2000 स्पिंडल। बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है लाइसेंस। भैया जब आपको स्पिनिंग मिल लगानी है ना, तो आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है, और जो गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया है कितना स्पिंडल का दिया आपको, 2000 स्पिंडल कैपेसिटी, इससे ज्यादा मशीन, इससे ज्यादा आप रोल्स नहीं लगा सकते एक मशीन में। एंड द फॉलोइंग टेक्निकल डिटेल्स आर गिवन, रेटेड कैपेसिटी 100%, मतलब जो मशीन्स को मैं काम में लेता हूं ना वो 100% कैपेसिटी पे मैं काम में लेता हूं। रिंग स्पिनिंग फ्रेम में लिखा हुआ है कितना बनता है, देखो 213 ग्राम पर स्पिंडल पर शिफ्ट, भैया उसमें एक रोल घूमता है, वो रोल कितना बनाता है, 213 ग्राम बनाता है। सिंप्लेक्स फ्रेम में 3.59, ड्रॉ फ्रेम, कार्डिंग मशीन, ब्लो रूम, ये सब दे रखे हैं इसमें। बस ये ध्यान रखना, ये दो जो हैं ये पर शिफ्ट पर स्पिंडल है, देखो ध्यान से, और बाकी सारे पर शिफ्ट है। तो पर स्पिंडल मतलब एक रोल के ऊपर जो चल रहा है। अब इधर आ जाओ, द रिंग स्पिनिंग फ्रेम अवेलेबल विद 440 स्पिंडल, रिंग स्पिनिंग फ्रेम कितने 440, और सिंप्लेक्स फ्रेम कितने हैं 124 स्पिंडल कैपेसिटी ईच, दिखाई दे रहा आपको। वेस्टेज, अब सीधी सी बात है, जब आप प्रोसेस करेंगे तो वेस्टेज भी होगा, ऐसा थोड़ी एक मशीन से दूसरी मशीन में पूरा 100% निकल जाएगा, कुछ वेस्टेज भी होगा। रिंग स्पिनिंग फ्रेम में 3% वेस्ट होता है, सिंप्लेक्स फ्रेम में 2%, 1%, 5%, 7.5%। द कैपेसिटेशन ऑफ रिंग स्पिनिंग फ्रेम इज 90%। अब ये कहां से आया भैया, ऊपर क्लियर दे रखा है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो यूटिलाइज होगा ना वो सारा 100% होगा, देखो ध्यान से दे रखे, बट इन्होंने स्पेशल बोला कि भैया रिंग स्पिनिंग फ्रेम के लिए क्लियर है 90%, बाकी सबके लिए 100%। अगर ये नहीं लिखी होती तो अपन रिंग स्पिनिंग फ्रेम का भी 100% मानते। अब देखो यहाँ पे लिखा है मशीन एफिशिएंसी, अब बच्चे कहते हैं ये क्या चीज है, अरे भैया मैं तो उसको 100% कैपेसिटी से यूटिलाइज करूंगा, मशीन को पूरा चलाऊंगा, पूरे 8 घंटे तक चलाऊंगा, 8 घंटे की शिफ्ट में, पर मशीन की भी तो एफिशिएंसी होनी चाहिए, क्या वो 100% आउटपुट देती है, कितना देती है बोलो, 89%, 84% अलग अलग आउटपुट देती है। फाइंड आउट वेदर द मशीन परचेज प्रपोज टू परचेज बाय द प्रोजेक्ट प्रमोटर आर बैलेंस इन टर्म ऑफ आउटपुट, जो बोला गया था क्या वही मशीन्स मिल रही हैं क्या, इफ फाउंड अनबैलेंस करेक्ट द स्कीम ऑफ मशीन्स। भैया प्रमोटर को जिसने एडवाइस दिया था और आपने जो मशीन्स कैलकुलेट किया क्या वो बैलेंस है, क्या बोला था वही मिला, नहीं मिला तो आप उसको बताओ कि करेक्ट क्या करने, कौन सी ज्यादा मशीन बोली कौन सी कम बोली। हाँ भाई शुरू करें, एक बार माइक तो ऑन करो भाई। हाँ भाई शुरू करूं, कोई डाउट आ रहा है तो बोलो। यस सर। चलो चलो, हाँ ठीक है ठीक है। अब सुनो सुनो मेरी बात सुनना, देखिए अगर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है ना आपको, तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले डायग्राम बनेगा, बिना डायग्राम के आप क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर सकते। अब बच्चे कहते हैं डायग्राम में क्या, वो सीक्वेंस फिक्स है, जो अगर अपन प्रैक्टिकली मशीन्स लगाएंगे तो मशीन आगे पीछे नहीं हो सकती, सबसे पहले ब्लो रूम, फिर कार्डिंग मशीन, फिर ड्रॉ फ्रेम,
फिर सिंप्लेक्स फ्रेम, फिर रिंग स्प्रिंग फ्रेम, फटाफट डायग्राम बनाओ। जब तक वो डायग्राम नहीं बनेगा आपको समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाहते हैं। फटाफट बना लो डायग्राम। सबसे पहले क्या होगा बोलो? ब्लो रूम, फिर कार्डिंग मशीन, फिर डीएफ ड्रॉ फ्रेम, फिर होता है आपका सिंप्लेक्स फ्रेम, एंड द लास्ट वन इज रिंग स्पिनिंग फ्रेम। बनाओ फटाफट डायग्राम बना लो। बन गया? अब अगर क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, क्वेश्चन स्टार्ट हो ही नहीं सकता। सबसे पहले ये डिसाइड करो कि ब्लो रूम गिवन है, रिंग स्पिनिंग फ्रेम गिवन है, डीएफ गिवन है, क्या गिवन है? अगर ब्लो रूम गिवन है तो उसको फॉरवर्ड मेथड बोलेंगे, अगर रिंग स्पिनिंग फ्रेम गिवन है तो बैकवर्ड मेथड बोलेंगे, और अगर डीएफ गिवन है तो सेंटर मेथड बोलेंगे। अब बच्चे कहते हैं ऐसा तो कुछ मिला नहीं कि नंबर ऑफ मशीन कितनी है। कोई बात नहीं, आपको नंबर ऑफ मशीन नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में मिल जाएगी। अब ना ऊपर चले, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था लाइसेंस का। बोला आपको कितने स्पिंडल का लाइसेंस मिला ये बताओ? 2000 स्पिंडल। वापस से समझना, ये स्पिंडल का मतलब होता है रोल्स, जिसके ऊपर क्या घूमेगा, धागा घूमता है। अब आप मेरे को ये बताओ, इधर चलते हैं और इधर मेरे को बताना क्या दे रखा है आपको। ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ दिखाई देगा। द रिंग स्पिनिंग फ्रेम इज अवेलेबल विद 440 स्पिंडल कैपेसिटी। भैया अगर आपने रिंग स्पिनिंग फ्रेम की मशीन लगा ली ना, ये वाली मशीन, तो पता है कितनी स्पिंडल खप जाएगी एक मशीन में? एक मशीन लगाओगे उसमें कितने रोल लगेंगे? 440। सेकंड मशीन लगाएंगे उसमें 440 रोल्स लगेंगे। थर्ड मशीन लगाओगे 440 रोल्स लगेंगे। तो बताओ कितनी मशीन लगाऊंगा? और मेरे पास में कंडीशन दे रखी है। क्या कंडीशन दे रखा है? कि आप 2000 से ज्यादा स्पिंडल्स नहीं लगा सकते एक मशीन में। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि गवर्नमेंट से लाइसेंस इतना मिला हुआ है। तो सबसे पहले निकालेंगे अपन नंबर ऑफ आरएसएफ। अब बच्चे बोले कैसे निकालेंगे? भैया 2000 स्पिंडल्स का लाइसेंस मिला हुआ है और एक आरएसएफ में कितनी स्पिंडल लग रही है बताओ? एक आरएसएफ में कितनी स्पिंडल लगा रहे हो आप? 440 स्पिंडल लगा रहे हो। तो भैया कितनी आरएसएफ लगेगी बताओ? करो सॉल्व करो, कितना आएगा बताओ, बताओ फटाफट बताओ। बोलो भाई 4.54। अब स्टूडेंट्स कहते हैं सर इसका राउंड ऑफ क्या होगा? कॉमन सेंस वाली बात है, राउंड ऑफ तो 5 ही होगा ना इसका। बट मैं 5 नहीं करूंगा, मैं 4 करूंगा। अब ये कहते हैं भैया 4 क्यों कर रहे हो, 5 करो ना। अगर मैं 5 करता हूं, एक मशीन में 440 स्पिंडल लगेंगी, तो 5 मशीन्स में कितनी लगेगी चेक करना एक बार, कितना हो बोलो? 220 2200। और 2200 लगते ही आपका जो लाइसेंस है वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो लाइसेंस आपको मिला था ना वो 2200 का नहीं मिला है। आपको जो लाइसेंस मिला है कितने का मिला है बोलो? 2000। अब 2000 लगा सकते हैं या 2000 से कम लगा सकते हैं? अगर मैं 4 मशीन लगाता हूं, 440 स्पिंडल एक मशीन में है, करना सॉल्व, 4 × 440 करो, कितना होता है बोलो? 1760। ठीक है, एक्सेप्टेबल है। आपको 2000 स्पिंडल का लाइसेंस मिला है और आप उसके अंदर 1760 स्पिंडल, 1700-1800 स्पिंडल लगा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर जो लाइसेंस मिला उससे ज्यादा स्पिंडल आप नहीं लगा सकते। तो कम से कम मेरे को ये क्लियर हो गया कि मेरे जो नंबर ऑफ आरएसएफ आ गए वो कितने आ गए? 4। तो अगर नंबर ऑफ आरएसएफ 4 आ गया ना, तो ये जो मेथड है, इस मेथड को बोलेंगे, लिख लो भैया, कौन सा मेथड बन गया? बैकवर्ड मेथड। लिख लो बैकवर्ड मेथड, कर लो कॉपी। हो गया क्या? चलो स्टार्ट करूं क्वेश्चन को। कॉपी कर लिया क्या? करो फटाफट कॉपी कर लो। हो गया? कर लिया भाई?
अब एक फॉर्मूला लिखो, द फॉर्मूला फॉर इनपुट, इनपुट का फॉर्मूला लिखो, इनपुट का फॉर्मूला सबके लिए काम आएगा, फॉर्मूला लिखना। एक्स इंटू एम ई इंटू सी यू। हाँ भाई कॉपी करिए ना यहां तक, चलो आगे। यस सर, हो गया ना। चलो अब सुनो सुनो सुनो, यहां पे देखना एफिशिएंसी इतना। देखो फॉर्मूला लिख लो, राइट द फॉर्मूला टी क्यू, टी क्यू इंटू एक्स इंटू एम ई इंटू सी यू लिख लो। राइट द फॉर्मूला फॉर इनपुट, इनपुट का फॉर्मूला लिख लो, इनपुट का फॉर्मूला लिखो फटाफट। हेलो, हाँ हाँ विनीत बोलो बोलो बोलो, वापस करेंगे स्टार्ट करेंगे, तुम वेट करो, चांसेस प्रमोशन के तुम्हारे फर्स्ट ईयर वालों के, इसलिए तो मैं होल्ड पे बैठा हूँ, अनाउंसमेंट आते स्टार्ट कर दूंगा, करीब करीब है। सुनो एक मिनट, ऐसा करो मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं क्लास लेके बात करता हूँ तुमसे डिटेल में, ठीक है। बीबीए फर्स्ट ईयर का क्या होगा भाई, आप बताओ, आप लोग को तो एक्सपीरियंस है। हाँ हमें प्रमोट कर दे, बीबीए का देखते रहेंगे मतलब आपको प्रमोट कर दे, आपको भी पता है फोर्थ सेम प्रमोट नहीं होगा, बाकी सब हो सकता है। पिछली बार तो किया था सर। अच्छा लास्ट ईयर फोर्थ सेम के भरे कोरोना में एग्जाम हुए थे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद में, याद करो। सेकेंड सेमेस्टर प्रमोट हुआ था, आप लोग प्रमोट हुए थे क्योंकि आप सेकेंड में थे, और आपके जो सीनियर्स थे ना फोर्थ सेम में, एक का भी प्रमोशन नहीं हुआ, और अब तो वैसे भी केसेस कम हो रहे हैं, अब तो एग्जाम वैसे भी होने वाले। चलो लिखा, राइट द फुल फॉर्म ऑफ टी क्यू, टी क्यू का फुल फॉर्म लिखो टोटल क्वांटिटी, एक्स का फुल फॉर्म लिखो नंबर ऑफ मशीन्स, एम ई, एम ई का फुल फॉर्म लिखे मशीन एफिशिएंसी, सी यू, सी यू का फुल फॉर्म लिखो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, टी क्यू टोटल क्वांटिटी, एक्स नंबर ऑफ मशीन, एम ई मशीन एफिशिएंसी, और सी यू, सी यू का फुल फॉर्म लिखो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। लिखा आप लोगों ने। अब सुनो ध्यान से देखना जो मैं बताने वाला हूं, इधर देखो भैया, आप मेरे को ये बताओ कि आरएसएफ का टोटल क्वांटिटी बता सकते हो, कितना कितना प्रोड्यूस कर रहा है आरएसएफ। ऊपर आओ, ऊपर चलते हैं, यहां पे देखो क्या आपको रिंग स्पिनिंग फ्रेम दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखना भैया, और कहीं मत देखना, कहीं और देखेंगे तो अपन कंफ्यूज होंगे, तो और कहीं मत देखना, बस खाली यहां देखो। देखो क्या बोलता है, इधर देखना, द रिंग स्पिनिंग फ्रेम 213 ग्राम पर स्प्रिंडल पर शिफ्ट। कुछ समझ में आया, मतलब जो रिंग स्पिनिंग फ्रेम का एक स्प्रिंडल जो है, एक रोल है, वो 213 ग्राम बनाता है। अगर एक रोल 213 ग्राम बनाएगा तो रोल कितने लग रहे हैं बताना मेरे को, बाकी सब छोड़ो, इधर देखो, द रिंग स्पिनिंग फ्रेम अवेलेबल विद 440 स्प्रिंडल, एक मशीन में 440 रोल्स लगाते हैं, और एक रोल जब घूमता है तो 213 ग्राम बनाता है। बट ध्यान से देखो बाकी सारी पिक्चर केजी में, केजी केजी केजी, तो आपको भी इसको केजी में बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन फिर अगर सारा केजी में चल रहा है तो एक ग्राम में कैसे चलेगा, और आपको पता है अगर मैं इसको केजी बनाता हूं तो 1 ग्राम, 1 केजी इक्वल टू कितना होता है 1000 ग्राम होता है ना, तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ 0.213 केजी पर स्प्रिंडल है, एक रोल 0.213 केजी बनाएगा, और कितने रोल्स लगा रहे हो, कितने रोल लगा रहे हो 440। तो बड़ी शांति से आ जाओ यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे टोटल क्वांटिटी 0.213 × 440, ये मेरा टोटल क्वांटिटी होगा। अब बच्चे कहते कैसे हुआ टोटल क्वांटिटी, अरे भैया एक मशीन में वन रोल जो होगा 213 ग्राम बनाएगा, तो 440 रोल्स कितना बनाएंगे, 440 रोल्स एक साथ घूमेंगे तो कितना बनाएंगे 213 × 440 × x, x का फुल फॉर्म है नंबर ऑफ मशीन, आपने अभी अभी निकाला था लाइसेंस के लाइसेंस वाला केस लेके, कितना आया था बोलो 4 × ME, ME का फुल फॉर्म होता है मशीन एफिशिएंसी। अगर मैं मशीन एफिशिएंसी की बात करता हूं तो बच्चे कहते हैं ये क्या है मशीन एफिशिएंसी, इधर आओ, अगर मैं यहां पे मशीन एफिशिएंसी की बात करता हूं तो आप मेरे को बता सकते हो कि इसका एफिशिएंसी क्या है। देखो हीरा रिंग स्पिनिंग फ्रेम का मशीन एफिशिएंसी देखना, और मत देखो, रिंग स्पिनिंग फ्रेम का कितना है बोलो, मशीन एफिशिएंसी बताओ कितना है बोलो बोलो, 89.50%।
तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बोलो, पॉइंट 0.8950 इनटू कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। अरे स्पेशल दे रखा है भैया, ये रहा पढ़ो, द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ रिंग स्प्रिंग फ्रेम इज 90%। 90% का मतलब क्या होता है, व्हाट इज 90%? 0.9। 5-10 मिनट बाद में चैप्टर सबसे इजी लगेगा आपको, शुरू शुरू में अजीब सा लगता है, करो सॉल्व करो। 0.3213 इंटू 440 इंटू 4 इंटू 0.8950 इंटू 0.90, बोलो भाई कितना आ रहा है? 301.96 आ गया। पता है क्या है ये इनपुट? अब बच्चे बोले किसका इनपुट आया? भैया ये इनपुट ऑफ आरएसएफ आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि मैंने डेटा इसमें कौन सा पुट कर रखा था, आरएसएफ का पुट कर रखा था, 301.96। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। हाँ भाई कुछ क्लियर हुआ क्या? बोलो 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 फटाफट बोलो। शुरू में थोड़ा सा अजीब सा लगेगा मेरे को मालूम है, क्योंकि नई चीज पढ़ रहा हूं, पर 10-15 मिनट और रुक जाओ, उसके बाद में यही चीज बहुत इजी लगने लग जाएगी, क्योंकि एक ही चीज बार बार रिपीट होगी, इसमें बहुत सारी चीजें रिपीट होने वाली है। कर लिया भाई कॉपी कर लिया आप लोगों ने? चलें, अब सुनो सुनो, एक बार इसको छोड़ देता हूं मैं, एक बार छोड़ देता हूं, और है ना एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं अपन, एक बार रुको। मैंने कहा आपके पास 500 रुपीज है, कितना रुपया आपके पास बोलो, 500, उसमें से 10% आपने खर्च कर दिया, करो 500 का 10% बोलो। माइक ऑन करो भाई, जिसके बैकग्राउंड नॉइज थी सब ऑन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 500 रुपीज है, उसका 10% खर्च कर दो, कितना होता है 10% 500 का बोलो, 50 रुपीज खर्च कर दिया आपने, कितना बचा बोलो, 450। अब मेरे को कोई कहता है कि 450 रुपीज आता है 10% लेस करने के बाद, तो बताओ ओरिजिनल अमाउंट क्या था बोलो? 450 आया 10% लेस करने के बाद, तो बोलो ओरिजिनल अमाउंट क्या था? बच्चे कहते सर 500, मैंने कहा क्वेश्चन में ही दे रखा है, आप तो मेरे को बताओ 450 10% लेस करने के बाद आया। मैंने कहा वेस्टेज कर दिया आपने, कुछ आपके पास कुछ किलो माल पड़ा था उसमें से आपने 10% खराब कर दिया, वेस्ट हो गया, और 450 आया, तो बताओ वो ओरिजिनल माल कितना था, बताओ कितना स्टॉक पड़ा था आपके पास, बोलो बोलो कैसे निकालेंगे? अगर मैंने 450 का 10% किया ना, तो 450 प्लस 45 हो जाएगा और ये आएगा 495, और रॉन्ग हो गया, इसका मतलब 450 जो है ना वो 100 माइनस 10 मतलब 90% है। 450 क्या है, 10% लेस करने का 90% है, इसको वापस क्या बनाएंगे, 100%। तो 450 अपॉन 90 इनटू 100, सॉल्व करो, 0 से 0 कैंसिल, 95 जा 45, एक जीरो था ही, एक जीरो यहां से बढ़ जाएगा, कितना आ गया आंसर बोलो, 500। हाँ भाई कुछ समझ में आया? मतलब अगर कुछ वेस्टेज हो एक मशीन से, 500 किलो माल था मशीन में, उसमें से 10% वेस्टेज हो गया और 450 किलो आया। अब मेरे से कोई कहता है कि इस मशीन का आउटपुट बताओ क्या था, बताओ कैसे निकालोगे? 450 अपॉन 90 इंटू 100, शायद आप समझ में आ रहे हैं क्या कर रहा हूं। हाँ भाई कुछ क्लियर हुआ क्या? तो क्या इस तरीके से सारी मशीनों का इनपुट निकाल सकते हैं, क्योंकि सब मशीनों में वेस्टेज रखे? आ जाओ इधर आ जाओ, अभी मैं खड़ा हूं इनपुट ऑफ क्या है बोलो, आरएसएफ। अब अगर मेरे को इनपुट ऑफ एसएफ चाहिए तो वो कैसे निकलेगा, सोचो, इनपुट ऑफ एसएफ चाहिए तो कैसे निकलेगा? इनपुट ऑफ एसएफ, इनपुट ऑफ डीएफ, इनपुट ऑफ सीएम और इनपुट ऑफ बीआर, ये सब चाहिए मेरे को, तो कैसे निकालेंगे? इधर आना भैया, ध्यान से देखना, आपके पास में यहां पे कुछ होगा, सोचो क्या होगा, यहां कुछ डेटा होगा, उसको आपने इसमें घुसाया एसएफ में, वेस्टेज काटने के बाद ये आया, यहां पे कुछ होगा, ठीक है, यहां पे कुछ होगा जो सीएम, यहां पे बीआर में आपने डाला, वेस्टेज काटने के बाद ये वाला आया, तो वेस्टेज काटते काटते आया, वेस्टेज जोड़ देंगे वापस। अब बताओ एसएफ का वेस्टेज कितना है, ढूंढो। हाँ क्वेश्चन में जाओ, चेक करो सिंप्लेक्स फ्रेम का वेस्टेज बताओ मेरे को, बाकी सब छोड़, बोलो भाई सिंप्लेक्स फ्रेम का वेस्टेज, वेस्टेज ऑफ सिंप्लेक्स फ्रेम कितना है बताओ, बोलो भाई वेस्टेज ऑफ सिंप्लेक्स फ्रेम कितना है बोलो, 2%। इससे ये पता लगता है, इससे ये पता लगता है यहां पे कुछ है, उसका 2% क्या हो गया बोलो, वेस्टेज, और निकल के कितना आया बोलो, तो बताओ क्या मैं यहां पर इनपुट ऑफ सिंप्लेक्स फ्रेम निकाल सकता हूं, कैसे निकालेंगे बताओ? हाँ भाई कुछ अमाउंट था इधर, उसमें से सिंप्लेक्स फ्रेम में घुसाने पे 2% वेस्टेज हो गया और बाहर निकल के आया 31, कितना आया बोलो,
301.96 अपॉन कितना परसेंट वेस्टेज हुआ बोलो, 2%, तो 100 माइनस 2 एंड 200, तो ये 98% है, और 98% को वापस क्या बनाने, 100% बनाने, करो सॉल्व करो, डिवाइड बाय 98, 301.96 डिवाइड बाय 98 एंड 200, करो सॉल्व करो कितना आएगा, 308.12 केजी, ये आंसर आ गया 308.12। हाँ भाई कोई डाउट है क्या, आ रहे समझ में क्या कर रहा हूं? अब जो नेक्स्ट निकलेगा उसमें ड्रॉ फ्रेम का वेस्टेज बताओ क्या है। देखो भैया ड्रॉ फ्रेम का वेस्टेज 157.5 ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे, इसका वेस्टेज है 1%, इसका वेस्टेज है 5%, इसका वेस्टेज है 7.5%। हो जाओ शुरू हो जाओ, अब करते हैं भाई बोलो। अब जब ये आ गया तो यहाँ पे कुछ आइटम होगा, उसको मैंने ड्रॉ फ्रेम में डाला, 1% वेस्टेज के बाद में ये निकल के आया, तो बताओ क्या मैं यहाँ पर इनपुट ऑफ ड्रॉ फ्रेम निकाल सकता हूँ? कैसे निकालेंगे बोलो इनपुट ऑफ ड्रॉ फ्रेम, बोलो अब तो आपको आने लग गया होगा, बोलो इनपुट ऑफ ड्रॉ फ्रेम कैसे निकलेगा बताओ फटाफट बोलो। हाँ भाई 308.12 अपॉन कितना परसेंट वेस्टेज है, 1%, तो क्या आ जाएगा 99 एंड 200, कर लो सॉल्व, 308.12 डिवाइड बाय 99 एंड 200, सॉल्व करो कितना आएगा, 311.23। हाँ भाई कुछ क्लियर हुआ क्या कर रहा हूं मैं, बोलो फटाफट बोलो। फिर अपन क्या निकालेंगे, नेक्स्ट निकालेंगे इनपुट ऑफ डीएफ, हो गया ना इनपुट ऑफ सीएम, लिख लो इनपुट ऑफ सीएम 311.23। बताओ सीएम का वेस्टेज बता सकते हो कितना है, बोलो कितना वेस्टेज है बोलो सीएम का, 5% लेस कर दो, करो भाई 100 माइनस 5 करो कितना आएगा 95 इनटू 100, करो सॉल्व करो, इनपुट ऑफ 311.23 डिवाइड बाय 95 इनटू 100 कितना आएगा बोलो, 327.61 लिख लो, 327.61 ये आ गया आपके पास में, दैट इज 327.61। बोलो आपके पास इनपुट ऑफ डीएफ आ गया, और जैसे ही आपके पास इनपुट ऑफ डीएफ, ओ सॉरी सॉरी यहां पे आएगा 327.61, और इधर जो आएगा वो क्या आएगा 311.23। अब निकालो इनपुट ऑफ वीआर, 7.5% वेस्टेज है। हाँ भाई निकालो फटाफट निकालो, यहां निकाल रहा हूं साइड में, निकालो इनपुट ऑफ बीआर, इनपुट ऑफ बीआर 327.61 अपॉन 100 माइनस 7.5 इनटू 100, करो सॉल्व करो कितना है, करो भाई कैलसी निकाल लो शुरू हो जाओ, 327.61 डिवाइड बाय 92.5 इनटू 100 ये आएगा 354.17 लिख लो यहाँ पे 354.17। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? हाँ भाई अगर आप लोगों ने कॉपी नहीं किया है तो 2 मिनट लगेगी, कॉपी कर लो पहले फटाफट कॉपी कर लो फिर चलते आगे। अगर आपने कॉपी नहीं किया तो कॉपी कर लो फटाफट, करो स्पीड से करो, रुकना मत। निधि अभी आए हो या कितना देर हो गया आए हुए? निधि करो चलो कॉपी करो, कर दिया? यस सर। कितनी देर हो गई आई हुई, अभी आए हो या लेट हो गई? सर मैं पहले आ गई थी। आ गई थी ना, चलो ठीक है कॉपी करो फटाफट। ओके सर। कर दिया भाई, हो गया कॉपी, हो गया अब कर दूं? चलो अब सुनो, अब मेरी बात सुनो,
क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। अब स्टूडेंट्स बोलते हैं सर मशीन्स तो आई नहीं, सॉल्व कैसे हो गया? देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे सॉल्व हो गया क्वेश्चन। इधर चलना, आपके पास में इनपुट आ गए सारे और आपके पास फॉर्मूला है इनपुट का। अब मैं नंबर ऑफ बी आर निकाल रहा हूँ। सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं बोलो, नंबर ऑफ बी आर कैसे निकालेंगे? इनपुट ऑफ बी आर फॉर्मूला बोला भैया, इनपुट का फॉर्मूला बोलो। देखो ये रहा फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला बोलो, टी क्यू इंटू एक्स इंटू एम ई इंटू सी यू, यही था फॉर्मूला। अब सुनो इनपुट ऑफ बी आर की बात करते हैं, आपने निकाला हुआ है, व्हाट इज योर इनपुट ऑफ बी आर, कितना आया था इनपुट ऑफ बी आर बताओ, 3 बोलो भाई, माइक ऑन कर लो अपने, 354.17 यही था। अब स्टूडेंट्स कहते हैं सर टोटल क्वांटिटी कहां से आएगी? ऊपर चलो, स्टार्टिंग में जाओ, आपको यहाँ टोटल क्वांटिटी मिलेगा बी आर का, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये रहा। देखो ध्यान से देखो, बाकी सबको मैं रब कर रहा हूँ, खाली टोटल क्वांटिटी ऑफ बी आर को देखो ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा क्या है टोटल क्वांटिटी ऑफ बी आर। इधर देखो ये रहा ब्लो रूम, और ब्लो रूम का टोटल क्वांटिटी बताओ कितना है, 1296 केजी, लिख लो यहाँ पे। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्लो रूम हो गया कितना, हो गया बोलो 1296 इंटू एक्स, एक्स तो पता नहीं, इंटू एम ई मशीन एफिशिएंसी। अगर मैं मशीन एफिशिएंसी की बात करूँ ना, तो मशीन एफिशिएंसी कितना दे रखा है, किसका देखना है भैया, कौन है, ब्लो रूम, ब्लो रूम का मशीन एफिशिएंसी बताओ कितना है, बोलो ब्लो रूम का मशीन एफिशिएंसी बोलो कितना दे रखा है आपको, 80%। 80% को क्या बोलेंगे अपन, 0.80 इंटू कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। अब बच्चे कहते हैं ये कहां से आएगा, अरे बाय डिफॉल्ट लर्न कर लो यार, सबका 100% है। देखो मेरा रेटेड कैपेसिटी 100% एफिशिएंसी, बस ये खाली आरएसएफ का 90% था, ये रहा आरएसएफ का 90%, बट बाकी सबके लिए जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन दे रखा है ना, वो पता है कितना दे रखा है, 100%। और 100% का अगर मैं परसेंट हटा दूं ना, तो 100% का परसेंट हटाएंगे तो क्या आएगा बोलो, 1। किसी भी चीज का परसेंट हटाते हैं तो डिवाइड बाय 100 करते हैं तो 1 आ जाएगा। कर लो सॉल्व। जब ये सब कुछ हो गया तो क्या मिसिंग फिगर x नहीं निकाल सकते, इसको नीचे ले जाओ, x को इधर छोड़ दो, तो क्या बना, 354.17 अपॉन, इसको नीचे लेके जाओ, 1296, इसको भी नीचे ले जाओ, 0.80, और 1 को भी नीचे ले जाओ, 1 भी नीचे आ गया, और अकेला कौन छोड़ दिया मैंने यहाँ पे, x निकाल लो, x का वैल्यू बोलो कितना है, करो फटाफट करो, आप लोग सब कैलसी ले लो भैया, पेन पेपर ले लो, शुरू हो जाओ। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता ना 14 मार्क्स का, तो ये वही बच्चा करता है जिसको पता है इसके बारे में, अदरवाइज क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर सकता। इजी है बट करने के बाद इजी है। कर लिया, करो सॉल्व करो, कितना आएगा, कितना आ रहा है बोलो, 0.34 आ रहा है क्या, 0.34। अब एक बात बताओ, क्या 0.34 मशीन हो सकती है क्या, ऐसे थोड़ी कि मशीन को काट के लगा लोगे आप, तो राउंड फिगर में पता है क्या होगा, 1। अब बच्चे यहाँ पे आएगा 1, बच्चे कहते हैं मैथ्स कहती है सर 5 या 5 से कम होता है तो 0 कर देते राउंड ऑफ, ये करते हैं। मैं एक बात बताया तो अगर यहाँ पर आंसर आता है, देयर इज 6.9999 भी आता है ना, तो आंसर 7 होगा, और 6.0001 भी आता है ना, तो भी आंसर 7 होगा। हमेशा मशीन्स का राउंड ऑफ आगे होता है, याद रखना ये बात, हमेशा मशीन का राउंड ऑफ आगे होता है। अगर 6.001 है इसका मतलब 6 मशीन तो लग गई, 0.0001 मशीन और लगेगी, क्या आप मशीन को काट के लगा सकते हो क्या, आप पूरी मशीन लगेगी, आधी नहीं लगेगी। तो स्टूडेंट्स कहते हैं सर यहाँ क्या किया आपने, यहाँ तो आपने उल्टा राउंड ऑफ कर दिया, फंस गया था मैं यहाँ पे। मशीन का राउंड ऑफ हमेशा आगे की तरफ होगा, कुछ भी लिखा हो, पॉइंट के बाद अगर सिंगल डिजिट भी लिखा है ना, तो भी राउंड ऑफ आगे होगा। बट अगर यहाँ फंस गए तो लाइसेंस के चक्कर में अटक गया था मैं, नहीं तो यहाँ पे भी राउंड ऑफ क्या करता मैं, 5 करता। आ जाओ भैया वापस आ जाओ, हो गया 1 आ गया। अब निकाल लो, क्या निकालेंगे बोलो, इनपुट ऑफ सीएम, कॉपी हो गया ना ये सब, रब कर दूं। अब निकाल लो इनपुट ऑफ सीएम, सेम यही फॉर्मूला होगा, कोई चेंज नहीं करना है आपको, फॉर्मूला एज इट इज रहेगा आपका, बस जहां आपने बीआर लिखा था ना बीआर, उसकी जगह सीएम आ जाएगा, लिख लो फटाफट। जहां आपने बीआर लिखा था, नंबर ऑफ बीआर की जगह क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ सीएम आ जाएगा, यहां पे भी सीएम आ जाएगा। अब आपको चाहिए टोटल क्वांटिटी, तो टोटल अच्छा इनपुट ऑफ सीएम कितना है बोलो, 327.61। टोटल क्वांटिटी की बात करें, आ जाओ भैया ऊपर चलो, सीएम का टोटल क्वांटिटी देखो, दिखाई देगा आपको, इधर आओ कार्डिंग मशीन में चलते हैं, ये रहा कार्डिंग मशीन, कितना है टोटल क्वांटिटी बोलो,
140.30 लिख लो, तो टोटल क्वांटिटी हो गया आपका 140.30 इनटू नंबर ऑफ मशीन एक्स पता नहीं इनटू मशीन एफिशिएंसी, इधर आ जाओ, ये रहा सीएम का मशीन एफिशिएंसी बताओ कितना है 85%, तो 85% को क्या बोलेंगे अपन 0.85 इनटू कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, याद करो सबके लिए 1 था, 100% मतलब 1 ही होगा, नीचे ले जाओ 327.61 अपॉन 140.36 इनटू 0.85 इनटू 1 और ये आ गया x का वैल्यू, कर लो सॉल्व कर लो कितना आएगा 327.61 डिवाइड बाय 140.36 डिवाइड बाय 0.85 कितना है बोलो, आंसर बोलो भाई 2.74 आ रहा है क्या, और मैंने कहा था राउंड ऑफ हमेशा आगे की तरफ होगा, तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। हाँ भाई किया क्या सॉल्व बोलो, कॉपी कर रहे हो फटाफट मेरे साथ साथ, करिया yes, sir. हो गया, चलो रब कर दूं, दोबारा से करते हैं, ये क्या आया था बोलो, इनपुट ऑफ सीएम आया था, अब निकालेंगे इनपुट ऑफ डीएफ, क्या निकालेंगे बोलो इनपुट ऑफ डीएफ, कुछ नहीं करना, जहां सीएम सीएम था वहां डीएफ डीएफ कर दो, अब टोटल क्वांटिटी डीएफ का कितना है, ऊपर आ जाओ, देखो यार ड्रॉ फ्रेम दिखाई देगा आपको, ड्रॉ फ्रेम का कितना टोटल क्वांटिटी बताओ, ड्रॉ फ्रेम का टोटल क्वांटिटी क्या दे रखा है बोलो 329 kg, लिख लो यहाँ पे देयर इज 329 इनटू एक्स पता नहीं इनटू मशीन एफिशिएंसी, देखो भैया ड्रॉ फ्रेम का मशीन 73% तो 0.73, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सबका 1 था और इनपुट ऑफ ड्रॉ फ्रेम, ड्रॉ फ्रेम कितना है 311.23, तो निकाल लो भैया एक्स का वैल्यू 311.23 में अपॉन कर दो 329 इंटू 0.73 इंटू 1, कर लो सॉल्व कितना आता है बोलो, कितना 1.29, बिल्कुल सही बोल रहे हो, राउंड फिगर में पता है क्या बोलेंगे इसको 2, तो आंसर आ गया आपका 2, तो क्या ऐसे में इनपुट ऑफ एसएफ नहीं निकाल सकता, कॉपी करो फिर इनपुट ऑफ एसएफ निकालते हैं, हो गया कॉपी हो गया, चलो अब अपन निकालते इनपुट ऑफ एसएफ, तो अगर मैं एसएफ की बात करता हूं तो आ जाओ भैया एसएफ पे, ये रहा एसएफ, अब टोटल क्वांटिटी बताओ एसएफ की, इनपुट ऑफ एसएफ तो आपके पास है 308.12, ये आ गया इनपुट ऑफ एसएफ, टोटल क्वांटिटी चेक करते हैं, आ जाओ उधर, अब जल्दी मत करना मेरी बात सुनना ध्यान से भैया, इन सब में और इनमें फर्क है, अभी तक जो पढ़ रहे थे ना अपन उसमें क्या लिखा था पढ़ो, ड्रॉ फ्रेम 219 पर शिफ्ट, बट यहां पर लिखा है भैया क्या लिखा है पढ़ो 3.59 केजी पर स्प्रिंडल पर शिफ्ट, तो एक रोल में 3.59 केजी लगेगा, तो रोल कितने लगेंगे, नीचे आओ नीचे आओ, द सिंप्लेक्स फ्रेम अवेलेबल विद 124 स्प्रिंडल कैपेसिटी, भैया साफ साफ रखा है सिंप्लेक्स फ्रेम में 124 रोल लगते हैं, एक मशीन में 124 रोल्स लगाओगे और वन रोल विल प्रोड्यूस 3.59 केजी, तो टोटल अमाउंट कितना प्रोड्यूस होगा, कैसे निकालेंगे बोलो, 3.59 केजी 3.59 इनटू 124, दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ वन मशीन, कितनी मशीन का प्रोडक्शन आएगा एक्स का, इनटू एक्स, एक्स तो पता नहीं छोड़ दो, इनटू एमई, एमई इज व्हाट मशीन एफिशिएंसी, कितना मशीन एफिशिएंसी बोलो, हाँ भाई मशीन एफिशिएंसी बताओ क्या आपका, किसकी बात कर रहे हैं सिंप्लेक्स फ्रेम का 84%, 84% मतलब 0.84 इनटू कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 1 है, कर लो अब सॉल्व आ जाएगा, इसको नीचे ले जाओ 308.12 अपॉन 3.59 इनटू 124 इनटू 0.84 इनटू 1 और किसका आंसर आएगा x का, करो सॉल्व करो कितना आएगा, डिवाइड बाय 3.59 डिवाइड बाय 124 डिवाइड बाय 0.84 कितना आ रहा है बोलो,
0.82 बिल्कुल सही है, 0.82 को राउंड फिगर में क्या बोलेंगे आप, 1। तो जो मेरा आंसर आएगा वो यहाँ पे क्या आएगा, 1। अब शायद आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही होगी, कॉपी करिए आप लोगों ने। हाँ भाई कॉपी हो गया क्या? रब कर दूं, कॉपी करिए ना। चलो अब इधर से देखो जो अपना आंसर था उसको चेक करते हैं, आंसर क्या था आपका, ये रहा आंसर, बैकवर्ड प्रोसेस का आंसर ये था, यही किया ना अपने अभी, चेक करो। ये देखो आंसर, देखो ध्यान से देखो, बी आर कितनी आपकी, 1, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, कार्डिंग मशीन 3 3 2 2 1 1 4 4, ये इनपुट आ गया, देखो दिख रहे सारे इनपुट, शायद आपको समझ में आ गया होगा डायग्राम कैसे बना। अब सुनो 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 ध्यान से देखना, अब बच्चे कहते हैं कि सर ये तो अपन ने निकाला बट प्रमोटर ने भी तो कुछ बोला था, आ जाओ प्रमोटर की बात सुनते हैं। ये रहा, ये जो प्रमोटर बोला था ये क्या बोला था, और आपने जो कैलकुलेट कर लिया वो क्या कर दिया, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, डिफरेंस क्या है। प्रमोटर वाली चीज को अपन नीचे उठा लेते हैं, ब्लू रूम से लेके क्या था भैया, सिंप्लेक्स प्रिंट तक था, यही था ना, अब जो एडवाइस मिला था ना प्रमोटर को वो ये एडवाइस मिला था, ये देखो यार कितना कितना मशीन क्या क्या लगना चाहिए, बोलो ब्लू रूम 1 बिल्कुल सही है, मेरा बताना मेरा कितना लगाया मैंने, 1, कार्डिंग मशीन कितना है 3, ड्रॉ फ्रेम 2, सिंप्लेक्स फ्रेम कितना है बोलो 1, और रिंग स्पिनिंग फ्रेम कितना है 4। अब आप इधर देखो चेक करो भाई, ब्लो रूम के लिए बिल्कुल सही है, ब्लो रूम की जो बात हुई थी वो सही हुई थी, 1 1, ठीक है, कार्डिंग मशीन में 4 लगा रखी है, लगानी कितनी थी 3, ठीक है, ड्रॉ फ्रेम 2 2 बिल्कुल सही है, सिंप्लेक्स फ्रेम में 1 लगाना था 2 लगा रखा है, और यहाँ पर 6, यहाँ 4 लगाने, इट मींस कौन कौन सी मशीन अनबैलेंस हो गई बोलो, कार्डिंग मशीन, सिंप्लेक्स फ्रेम एंड रिंग स्पिनिंग फ्रेम। तो लिखो नीचे लिखो, ये तो कॉपी कर लो ऐसा कैसा, और कॉपी शॉर्ट में कॉपी कर लो उसको, उसको कॉपी करके लिख लो, देयर इज अ अनबैलेंस इन केस ऑफ कार्डिंग मशीन, रिंग स्पिनिंग फ्रेम एंड सिंप्लेक्स फ्रेम। कार्डिंग मशीन, रिंग स्पिनिंग फ्रेम एंड सिंप्लेक्स फ्रेम, हो गया। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, अगर कार्डिंग मशीन आपने 4 लगाई है ना तो 1 रिटर्न कर दो, क्योंकि आपका सारा काम 3 में हो जाएगा। तो लिख लो वी विल रिटर्न, क्या क्या रिटर्न करने वाले हैं, वी विल रिटर्न 1 कार्डिंग मशीन रिटर्न करेंगे, 1 सिंप्लेक्स फ्रेम रिटर्न कर देंगे, और 2 रिंग स्पिनिंग फ्रेम रिटर्न करेंगे। ये सब मैं रिटर्न कर दूंगा क्योंकि ये मेरे को रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मैं फालतू ज्यादा ले आया, सामने वाले ने मेरे को गलती से ज्यादा बता दिया, जैसे ही बताया उसने, और मेरी कैलकुलेशन बता रही है इतनी मशीनों की जरूरत ही नहीं, तो जो एक्स्ट्रा लाऊंगा उनको रिटर्न कर दूंगा मैं। हाँ भाई कॉपी कर दिया क्या, बोलो बोलो भाई, हो गया। चलो अब इसको करेगा, तो सुनो मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसको अभी अपन ने पता है किससे किया था, अभी जस्ट अपन ने इसको बैकवर्ड प्रोसेस से किया था क्योंकि आपने पास आरएसएफ गिवन था, बट इसी क्वेश्चन 1 को दोबारा से करना है आपको, जो क्वेश्चन 1 है ना आपका, इसको दोबारा से करना है, इसको फॉरवर्ड प्रोसेस से करना है, इसको सेंटर मेथड से करना है, कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यही क्वेश्चन का डेटा चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन का डेटा वही रहेगा जो है, बस आपको उसको फॉरवर्ड मेथड लगाना है, और कौन सा मेथड लगाना है इसमें, सेंटर मेथड लगाना है। अब बच्चे बोले सर ये कैसे लगेगा ये और बता दो हमको, 2 मिनट देख लो, आपको डायग्राम यही बनाना है जो डायग्राम आपका पहले था ना, सेम यही डायग्राम वापस बनेगा, और यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब अगर फॉरवर्ड प्रोसेस करेंगे तो हिंट दे रखा है इन्होंने, लेट द नंबर ऑफ बी आर इज 1, तो आपको बी आर मिल गया 1, तो जैसे आपको बी आर मिल गया 1 तो क्या इनपुट ऑफ बी आर निकालेंगे, बोलो इनपुट ऑफ बी आर फॉर्मूला बोलना, टी क्यू इंटू एक्स इंटू एम ई इंटू सी यू, यही होता है। अब बताओ टोटल क्वांटिटी बता सकते हो बी आर का कितना है, इधर आओ, ब्लो रूम का टोटल क्वांटिटी कितना है, 1296,
तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 1296 इंटू नंबर ऑफ मशीन कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 1, मैंने 1 लिख दिया। मशीन एफिशिएंसी इधर आ जाओ, ये रहा बीआर का मशीन एफिशिएंसी 80% 0.80 इंटू कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 1 था। सॉल्व करना एक बार कितना आता है, 1296 इंटू 1 इंटू 0.80 कितना है बोलो फटाफट बोलो, 1036.8 ये आ रहा है, चेक करो। और ये आ गया मेरा इनपुट ऑफ बीआर, देखो ध्यान से ये रहा इनपुट ऑफ बीआर। अब जब इनपुट ऑफ बीआर आ गया तो आपको इनपुट ऑफ सीएम निकालना, तो बीआर में मैंने ये इसको डालूंगा, जैसे बीआर में घुसेगा वेस्टेज करेगा बीआर, और जो बाहर निकालेगा वो क्या होगा, इनपुट ऑफ सीएम होगा। अब मेरे को बीआर का वेस्टेज बता सकते हो कितना परसेंट है, चेक करो बोलो भाई बीआर का वेस्टेज कितना है, 7.5%। ये वेस्टेज हो गया 7.5%, ये वाला वेस्टेज सीएम का कितना है 5%, इसका वेस्टेज कितना है 1%, फिर है 2%, और आरएसएफ का वेस्टेज कितना है 3%, ये है ना। अब सुनो बोर्ड पे देखना भैया, इनपुट ऑफ बीआर कितना है 1036.8 में कितना परसेंट वेस्टेज लेस कर दूं बोलो, 1036.8 में से 7.5% वेस्टेज लेस कर दूं, निकालो 7.5% निकालो उसका, 7.5% निकालो माइनस कर दो, कितना आंसर बोलो, 959.04 आ रहेगा, चेक करो ये आएगा। हाँ भाई माइक ऑन करो अपना, बोलो तो भाई, यही आ रहे हैं सर, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर पता है इस नंबर को 5% वेस्टेज कर देंगे यहाँ आ जाएगी, फिर जो नंबर आएगा उसका 1% वेस्टेज कर देंगे यहाँ आ जाएगी, जो नंबर आएगा उसका 2% वेस्टेज कर देंगे यहाँ आ जाएगी, आगे। अब जब सारे इनपुट आ गए तो फॉर्मूला लगा दो इनपुट का, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ मशीन है उसको एक्स मान लेंगे, वो मिसिंग फिगर रह जाएगा, सबका इनपुट रखते जाओ आंसर निकालते जाओ। और सेंटर मेथड में आपको डीएफ दे रखा है 4, तो भैया सबसे पहले इनपुट ऑफ डीएफ निकाल लेना, ये देखो मेरा ये इनपुट ऑफ डीएफ निकला हुआ है, फिर डीएफ का वेस्टेज करेंगे तो यहां आ जाओगी, फिर एसएफ का वेस्टेज करोगे यहां आ जाओगे, ये तो हो जाएंगे। और उल्टा चलते टाइम पे ध्यान रखना, जो नंबर होगा 100 माइनस वो परसेंटेज इनटू 100, तो ये निकाल लो ये निकाल लो, जब सारे इनपुट आ जाएंगे तो नंबर ऑफ मशीन निकाल, हो सकता है। हाँ भाई बोलो 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 भाई फटाफट बोलो, कर सकते हैं ना अपन। अब जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का स्टडी मटेरियल है ना उसके अंदर बुक डाल रहा हूं मैं, ये वैसे तो फिजिकली आप लोगों को बुक दे दूंगा मैं, अभी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का स्टडी मटेरियल है उसके अंदर बुक अपलोड कर रहा हूं मैं, वहां से आपको पूरी बुक मिल जाएगी, वहां से चेक कर लेना आप लोग सारा, हो जाएगा। होमवर्क में करे ना भैया, होमवर्क में करोगे तो आउटपुट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, कर लोगे ना होमवर्क में। चलो क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा करवाया मैंने, 1 करवाया आपको, देखो मैंने आप लोग को करवाया था क्वेश्चन नंबर 1, चेक करो एक बार, ये किया अभी क्वेश्चन नंबर 1 के ही, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी उसी के पार्ट है, क्वेश्चन वही फॉलो करना है ऊपर वाला, और आपको उसका सेकंड और थर्ड पॉइंट निकालना है, फिर आगे वाले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज जितना कर लो, जब आप करोगे तो ही प्रैक्टिस में आएगा, नहीं तो आएगा भी नहीं।